हेलो दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है। तो मेरे साथ आप अपना यूट्यूब चैनल ए बी टेक देख रहे हैं। मेरा नाम है आशीष कुमार। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये मैं काइन मास्टर के ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। तो इसमें ये है हमारी वीडियो ऑडियो के बेस्ड। तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पर जाते हैं। कोई भी यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो 16:9 में और नेक्स्ट। फिर अगर आपको मैं सिंपली बताऊँ तो इमेज पर ले लेते हैं, कोई भी रेड कलर का इमेज बैकग्राउंड ले लेते हैं। उसके बाद ऑडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऑडियो बटन है, यहाँ से आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मुझे ये देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड है, कोई भी आप मान लीजिए। कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड पे जाओगे, जैसे कि आपको किसी भी वीडियो के कुछ पार्ट में अगर आपको अपनी ऑडियो डालनी है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये दिखा रहा है कि आपकी ऑडियो उस रिकॉर्ड हो रही है। देखिए मैंने इसे स्टॉप कर लिया है। तो देखिए आपकी ऑडियो यहाँ पर बन के रेडी है। आप इसको चाहे तो सुन भी सकते हैं। देखिए वैसे बहुत अजीब लगेगी पर सुन लीजिए। क्लिक करोगे, जैसे स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये दिखा रहा है। तो देखिए सुन लिया दोस्तों आपने। और इसके बाद आपको एक ऑडियो इफेक्ट का एक मैं खासियत तो बताता हूँ। जैसे कि आपने ऑडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये देखिए स्पीकर का जैसा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, इसको आपने मिक्सर को फुल कर देना है। मतलब जो पहला ये स्पीकर है, इसकी साउंड फुल हो जाएगी ताकि आपकी आवाज़ सुनाई भी दे। और इसमें ऑटो वॉल्यूम भी आप ऐड कर सकते हो, ये इसके हिसाब से ऑटोमेटिक कर लेता है। और उसके बाद इतना ही, और इसको राइट कर दीजिए। तो देखिए आपकी एक वॉल्यूम ऐड हो चुकी है। अब हमें इसमें चाहिए, जैसे कि मुझे कोई मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहला। तो देखिए हमारे पास मीडिया है यहाँ पे, देख लीजिए ये हमारा मीडिया है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए ये हमारा है, तो मैं आपको इसको म्यूट करके सुना देता हूँ। देखिए इस पे वीडियो पे, ये देखिए यहाँ पे इसकी वॉल्यूम एडजस्ट होती है। देख लीजिए मैंने कहाँ से किया, ये मिक्सर है, इसको मैं डाउन कर देता क्योंकि इसमें मेरा सॉन्ग है इसलिए। तो देखिए अब इसको यहाँ से कर देते हैं। अगर आपको वॉइस चेंज करनी है तो पिच को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो देखिए पहले हमारी ये वीडियो है कोई, देखिए जो चल रही है, देखिए कोई ऐसी, इसमें आपको कोई सॉन्ग ऐड करना है तो यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करोगे। आप अपने फोल्डर में उस सॉन्ग को ढूंढना है, जैसे कि मैंने इस फोल्डर में उसको ढूंढ लिया। देखिए और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हो, इसकी साउंड आपको एडजस्ट कर लेनी है कि कितनी आपने रखनी है। इसको फुल कर दीजिए क्योंकि अच्छा लगेगा बैकग्राउंड म्यूज़िक। अगर आप इसमें शायरी शुरी लगाना चाहते हो वो भी ठीक है। तो देखिए मैं इसको इतना रख देता हूँ ताकि सुनने में अच्छा लगे, और पिच इसकी मत छेड़िएगा क्योंकि इससे वॉल्यूम चेंज हो जाती है। फिर देखिए मुझे इसमें शायरी बुलवानी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शायरी डाउनलोड कर ली है, तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी वो। देखिए ये मैंने शायरी भी ऐड कर ली है यहाँ पे जैसी। तो इसको मैं यहाँ पे फुल साइज़ कर लेता हूँ देखिए, और इसकी पिच में थोड़ी आगे कर लेता हूँ ताकि इसकी आवाज़ रियल वॉइस जैसी ना लगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ एक पल के लिए। तो मैं इसकी आवाज़ कम कर लेता हूँ। माना मुझे जीतने का शौक है, पर हार भी मैं बड़े शौक से चखता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार सुना है। अब इसके बाद दिखाते हैं इस ऑडियो इफेक्ट में और क्या क्या कर सकते हैं हम। वीडियो लंबी होने वाली है तो आप आराम से देखिए। इसके बाद जैसे कि आप ऑडियो पे क्लिक करते हो, यहाँ पे वॉइस चेंजर मिल जाते हैं, पर ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते, बेकार जैसे है क्योंकि आप इसको सुन नहीं सकते कैसे कैसे इसमें साउंड इफेक्ट आ रहे हैं। तो आप इसे वॉइस चेंज ना ही करें तो बेहतर होगा। और यहाँ पे इसके बाद ट्रिम एंड स्पेल्ट, आप ऑडियो को स्पेल्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे इस कर्सर को रखा और यहाँ पे इसको स्पेल्ट कर दिया, तो ऑडियो के दो भाग बन गए हैं। आप एक ऑडियो को चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, तो आपकी एक ही ऑडियो रहेगी। फिर वैसे ही एक इस ऑडियो में है, जैसे कि इस पर इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप यहाँ पर। देखिए इस ऑडियो में कुछ भी किसी हिसाब से करना है आपने। देखिए ये ऑडियो इसमें कन्वर्ट हो जाता है इको में, ये इसका इको है। और ये देखिए इसका वॉल्यूम एनवॉल्व है, एनवॉल्व है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि वॉल्यूम आपने कहाँ से कहाँ तक करनी है, कुछ इस प्रकार से इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए रिवर्ब का ऑप्शन भी आपको इसमें, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इसमें ऑडियो इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि गुफा वाला, स्टूडियो वाला हो, बड़े हॉल वाला, इको रूम वाला हो, बाथरूम वाला हो, ये ऑडियो इफेक्ट है जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसमें ऑडियो इफेक्ट इतना ही था। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये वीडियो यहाँ से कट होने वाला है, तो हम इसको स्पेल्ट कर देते हैं और यहाँ से वीडियो कर देते हैं डिलीट। देखिए हमने वीडियो डिलीट कर दिया है, तो आपका ये म्यूज़िक चल पड़ा है। और यहाँ से इसको भी करने वाले हैं हम कट, यहाँ से हम इसको ट्रिम राइट कर देते हैं। और देखिए ये हमारे पास बिना मतलब का है। देखिए ये हमारी इतनी की वीडियो है, अब इसको हमने करना है फास्ट। तो देखिए यहाँ से इसकी स्पीड देख लीजिए क्योंकि ये ऑडियो के हिसाब से चलनी चाहिए। तो देखिए हम इसको थोड़ा इतना इतना कर लेते हैं, और इसको कीप पिच रख लेते हैं क्योंकि ये ऑडियो बहुत फास्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितनी फास्ट ये वीडियो है। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। माना मुझे जीतने का शौक है, पर हार भी मैं बड़े शौक से चखता हूँ। और बेटा जिनके दम पर तुम उछलते हो, याद रखना उन्हें मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से थी हमारी आज की वीडियो ऑडियो बेस्ड, तो काइन मास्टर की ऑडियो के साथ कैसे हम कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग, इसी बेस पे थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।